MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें मार्वल्स कॉमिक के सुपर हीरो को फिल्मों में लाया गया है और एक ऐसी सीरीज तैयार की गई है जो सुपर हीरो की शक्तियों द्वारा बुरे लोगों से सबकी रक्षा करती है। यूं तो इन फिल्मों की शुरुआत 2007 से ही हो गई थी। आपको बता दें MUC जिसमें फिल्मों को सेट किया जाता है, जो कि किसी फिल्मी ब्रह्मांड से कम नहीं। मार्वल्स की पहली सीरीज से ही लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिला था, क्योंकि मार्वल्स ने अपनी जगह पहले ही लोगों के मन में बना ली थी। मार्वल्स मूवी के हर एक कैरेक्टर को लोगों ने अपने मन में कुछ इस तरह से बसाया हुआ है कि हर एक फिल्म के कैरेक्टर को हम शायद ही भूले हों। फिर चाहे वो डॉक्टर स्टॉक हो या उनका सूट, हल्क हो या थॉर और उसका हैमर तो आपको याद ही होगा, फिर चाहे विजन की बात हो, आंटमैन हो या गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के हर एक कैरेक्टर जिन्होंने सबको अपना दीवाना बना लिया। कैप्टन अमेरिका की बात करें तो लड़कियां उनकी दीवानी हैं, लेकिन लोकी जिसने थॉर के भाई की भूमिका अदा की थी, उसकी वो मिस्टीरियस मुस्कान जिसमें कई राज छिपे हुए हैं, उसकी मौजूदगी ने एवेंजर्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको रिवाइंड जरूर कराएंगे कि आखिर एवेंजर्स की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। मार्वल्स की हर मूवी में आपने एक खास बात जरूर देखी होगी कि हर फिल्म की कहानी किसी न किसी फिल्म से जुड़ी हुई ही मिलेगी, फिर चाहे उनकी पहली मूवी ही क्यों ना हो। 2008 में आयरन मैन मूवी से धमाल मचाने वाले मार्वल्स ने एक के बाद एक फिल्में बनाई जो कि सुपर पावर मूवी कहलाई। मार्वल्स ने अपनी हर फिल्म के कैरेक्टर्स को आपस में कुछ इस तरह से मिलाकर एक टीम तैयार की जो एवेंजर्स कहलाई, लेकिन एवेंजर्स को ऐसे ही साथ नहीं लाया गया। इसके पीछे की वजह खास है। ये पहले पार्ट में आपने देखी होगी जो 2012 में आई थी, वो थी न्यूयॉर्क सहित अर्थ को बचाने के लिए निक फ्यूरी की एक टीम, एक ऐसी टीम जिसमें हर एक के पास कोई ना कोई पावर है, क्योंकि निक फ्यूरी जो कि शील्ड के निदेशक हैं, उनको एक खुदाई के दौरान मिले टेस्ट्रेक जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देता है जिसमें बुरी शक्तियों का प्रवेश होने लगता है, जिसमें लोकी टेस्ट्रेक को चुरा लेता है जिससे वो शील्ड एजेंट को अपने काबू में कर लेता है। हालांकि वो क्लिंट बार्टन और डॉक्टर एरिक सेल्विक को भी अपने काबू में करता है, लेकिन यही तो है एवेंजर्स, जो ना सिर्फ उस टेस्ट्रेक को लोकी से वापस लेते हैं बल्कि खुले ब्रह्मांड के दरवाजे को भी बंद करते हैं। पहली फिल्म में एवेंजर्स टोनी स्टॉक, एजेंट नताशा, डॉक्टर ब्रूस बैनर, स्टीव, थॉर और क्लिंट होते हैं, जिनकी मौजूदगी फिल्म में धमाल मचाने के लिए काफी थी। उसके बाद 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन आई, जिसको लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। लोग आगे सीरीज को देखना चाहते थे और हुआ भी वही। एवेंजर्स इस बार पूरी तरह से तैयार हैं पूरी ताकतों से वॉर के लिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अंत तो भी बाकी था और आज एवेंजर्स एंड गेम के साथ आए हैं, जिसका इंतजार शायद एवेंजर्स फर्स्ट से ही लोगों को था। ये इंतजार ऐसा खास इंतजार है कि काफी समय पहले से ही इस फिल्म की टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी और हाथों हाथ टिकट बिक भी गए। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में मार्वल्स मूवी का कितना क्रेज है। यहाँ आपको हम एक बार स्टार्टिंग से मार्वल्स मूवी के नाम को जरूर बताना चाहेंगे। आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स, द एवेंजर्स, आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, आंटमैन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर, रॉन रोक, ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, आंटमैन एंड द वॉस्प, कैप्टन मार्वल्स और एवेंजर्स एंड गेम। तो अगर आप भी एवेंजर्स के दीवाने हैं या मार्वल सीरीज के, तो आप सभी के लिए ये जानकारी किसी मूवी धमाल से कम नहीं।